नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज हम बात करेंगे इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 11, 12 और सेक्शन 13 की। सेक्शन 11 जो है इंडियन एविडेंस एक्ट का, वो बताता है हमें कि कौन से ऐसे फैक्ट होते हैं जो नॉर्मली रेलिवेंट नहीं होते हैं बट वो रेलिवेंट बन जाते हैं। वो कब रेलिवेंट बन जाते हैं, ऐसे फैक्ट जो पहले नॉर्मली रेलिवेंट नहीं है वो कब रेलिवेंट बन जाते हैं। नाउ व्हाट डज द सेक्शन सेज? The section says when the facts not otherwise relevant becomes relevant, facts which not otherwise relevant become relevant if they are inconsistent with fact and issue or relevant fact. मतलब कि जब वो fact and issue और relevant fact से बिल्कुल inconsistent हो, मतलब उनका होना एक असंभव सी बात हो, और इफ दे बाय देमसेल्फ और इन कनेक्शन विद अदर फैक्ट्स दे मेक एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ एनी फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट हाईली इम्प्रोबेबल और प्रोबेबल। सेक्शन के साथ एक इलस्ट्रेशन दी गई है, इनफैक्ट दो इलस्ट्रेशन दी गई है। द क्वेश्चन इज वेदर ए कमिटेड क्राइम एट कलकत्ता एक्स तारीख को, मान लीजिए आज 12 मई 2018 है, कि 12 मई 2018 को क्या एक्स ने किसी का मर्डर किया था कलकत्ता में। सवाल ये है कि इस कोर्ट के सामने, अब ये फैक्ट ऑन दैट डे ही वाज एट न्यू दिल्ली इज रेलिवेंट। अब अगर एक्स ये शो कर देता है कि उस टाइम पे जिस टाइम पे मर्डर हुआ था, 12 मई 2018 को जिस टाइम मर्डर हुआ था उस टाइम एक्स न्यू दिल्ली में था, तो ये फैक्ट रेलिवेंट हो जाता है। लेकिन अगर एक सेकंड के लिए मैं आपको कहता हूं कि क्राइम को आउट ऑफ पिक्चर कर दीजिए, फिर क्या ये रेलिवेंट होगा कि ए न्यू दिल्ली में था, ए सिंगापुर में था, ए न्यूयॉर्क में था, ए कहीं भी था, वो जो बंदा एक्यूज है वो कहीं भी था, वो कोई रेलिवेंट नहीं है। लेकिन क्योंकि उसका नाम क्राइम में आ गया और वो ये दिखा देता है कि मैं उस दिन कहीं और मौजूद था, तो फिर उस बंदे की कोई लायबिलिटी नहीं बनती है, दैट फैक्ट इज रेलिवेंट। अब ये देखना कोर्ट का काम है कि क्या वो सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है। द फैक्ट दैट नियर द टाइम व्हेन द क्राइम वाज कमिटेड व्हिच वुड रेंडर इट हाईली इम्प्रोबेबल डू नॉट इम्पॉसिबल, ऑब्वियसली इम्प्रोबेबल हो गया, हाईली इम्प्रोबेबल हो गया कि उस टाइम पे क्राइम करे, इज रेलिवेंट। अब ये फैक्ट रेलिवेंट है। अब आज की डेट में जब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस होगी, कोई प्लेन से जा भी सकता है मर्डर करके, हो सकता है न्यू दिल्ली से मर्डर करके वापस कलकत्ता चला जाए, कलकत्ता मर्डर करके वापस न्यू दिल्ली आ जाए तुरंत, है ना। बट फिर भी एक इट इज हाईली इम्प्रोबेबल अगर कोई न्यू दिल्ली में है कि वो कोलकाता में कैसे मर्डर करेगा। एक और इलस्ट्रेशन दी गई है। द क्वेश्चन इज वेदर ए कमिटेड अ क्राइम द सर्कमस्टांसेस आर सच दैट The crime must have been committed by A, B, C or D. अब circumstances ऐसे लग रहे हैं कि या तो मर्डर जो है A ने किया होगा, या B ने किया होगा, या C ने किया होगा, या D ने किया होगा। अब पुलिस के पास चार सस्पेक्ट हो गए। Now every fact which shows that crime could have been committed by no one else and that it was not committed by B, C or D is relevant. और ऐसे हालात बनते हैं कि क्राइम, मतलब पुलिस के पास ये चार सस्पेक्ट हैं और ऐसे हालात बनते हैं कि इन चारों के अलावा कोई मर्डर कर ही नहीं सकता, और फिर उसके बाद क्या होता है, इट वाज नॉट कमिटेड बाय आइदर, और पुलिस की जांच में ये पता चलता है कि वो ना बी ने किया, ना सी ने किया, ना डी ने किया, तो ये रेलिवेंट फैक्ट हो गया और इससे एक इन्फ्रेंस जाती है कि ए ने ही मर्डर किया होगा, राइट। तो इस सेक्शन का अगर मैं आपको लब्बोल हुआ दूँ तो वो ये है, facts which are ordinarily having nothing to do with the facts of case or not in themselves relevant, जो अपने आप में relevant नहीं होती, but they become relevant only by virtue of fact that they are either inconsistent with any fact in issue or are relevant fact or that they make existence of any fact in issue relevant, either highly probable or improbable, right? तो ये हो गया। अब मैंने यहाँ शायद एक स्पेलिंग मिस्टेक कर दी, मैंने यहाँ इंडस लिख दिया,
और यहाँ मैंने आइदर दो बार लिख दिया। तो मतलब ये है कि अगर कुछ ऐसा है जो वैसे रेलिवेंट नहीं है, बट क्योंकि उसका क्राइम के साथ किसी का इन्वॉल्वमेंट हो गया, तो वो कोई ऐसा फैक्ट दिखाता है जिससे उसका उस क्राइम से रिलेट करना बड़ा मुश्किल हो जाए, तो वो फैक्ट रेलिवेंट होगा। ये इस सेक्शन का लब्बुलवाब है। नाउ सेक्शन 12 एंड सेक्शन 13, वैसे तो इन दोनों सेक्शंस में कुछ ज़्यादा बताने के लिए है नहीं। सेक्शन 12 ये कहता है कि फैक्ट्स टेंडिंग टू इनेबल कोर्ट टू डिटरमिन अमाउंट ऑफ डैमेजेस आर रेलिवेंट इन अ सूट फॉर डैमेजेस इन विच डैमेजेस आर क्लेम्ड एनी फैक्ट विच विल इनेबल द कोर्ट टू डिटरमिन द अमाउंट ऑफ डैमेजेस वुड ऑट टू बी अवॉर्डेड इज रेलिवेंट, वो फैक्ट रेलिवेंट होगा। ठीक है, सेक्शन 13 इसी तरह से जैसे सेक्शन 12 ये कहता है कि जब कोई सूट डैमेजेस का कोई फाइल करेगा तो उसमें हर वो फैक्ट जो कोर्ट को डैमेजेस के कंक्लूजन पर पहुंचने में मदद करेगा वो रेलिवेंट फैक्ट होगा। इसी तरह से सेक्शन 13 कहता है फैक्ट्स रेलिवेंट व्हेन राइट और कस्टम इज इन क्वेश्चन, जब कोई राइट या कस्टम कोई किसी कोई अपना कोई राइट क्लेम कर रहा है तो वो जब कोई दूसरी पार्टी उस पर सवाल या निशान लगाती है तो तब कौन से फैक्ट रेलिवेंट होंगे। जैसे कि मान लीजिए कि कोई एक्स सड़क है, क्या वो रास्ता है या नहीं है, तो द फैक्ट दैट पीपल आर यूजिंग दैट एज रोड देन दैट मीन्स इट इज कस्टमरी टू गो ऑन दैट पाथ एंड दैट इज बीइंग ट्रीटेड एज रोड। वेयर द क्वेश्चन इज एज टू एग्जिस्टेंस ऑफ एनी राइट और कस्टम द फॉलोइंग फैक्ट्स आर रेलिवेंट, एनी ट्रांजेक्शन बाय विच द राइट और कस्टम इन क्वेश्चन वॉज क्रिएटेड, जिससे वो क्रिएटेड उसकी क्रिएशन का पता चले, ठीक है, या वो उससे पहले किसी ने क्लेम किया हो, मॉडिफाइड रिकॉग्नाइज कहीं रिकॉग्नाइज हुआ हो या डिनाई असर्टेड कहीं पे कहीं प्रशासन ने उसे असर्ट किया हो या डिनाई किया हो, तो वो सारे फैक्ट रेलिवेंट होंगे फॉर विच वॉज इनकन्सिस्टेंस विद इट इट्स एग्जिस्टेंस, जो उसकी एग्जिस्टेंस से इनकन्सिस्टेंट रहे हों, राइट। इसी तरह से पर्टिकुलर इंस्टेंसेस इन विच राइट्स और कस्टमर्स क्लेम्ड और एक्सरसाइज इन विच इट्स एक्सरसाइज इट्स एग्जिस्टेंस इज डिस्प्यूटेड असर्टेड और डिपार्टेड फ्रॉम, तो वो सारे फैक्ट्स जो हैं वो सब फैक्ट्स रेलिवेंट होंगे। तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब और मेरे ट्विटर पेज पर आप लोग मुझे फॉलो कीजिए, मैं जल्दी वहाँ पर नोट्स वगैरह लॉकेट शेयर करूँगा। Thank you.